नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। आज रणबांकुरे में बात करेंगे जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन की, क्योंकि यहां आज ही दो धमाके हुए हैं। ये धमाके एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में हुए। एक धमाके के कारण एक इमारत की छत को नुकसान पहुंचा है, तो दूसरा धमाका खुली जगह पर हुआ, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाका ड्रोन के जरिए किया गया। आज रणबांकुरे में सवाल यह है कि अगर ये धमाका एयरफोर्स स्टेशन पर होता तो क्या होता, और जम्मू का ये एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना के लिए कितना महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना ने धमाके की खबर को ट्वीट कर बताया। एयरफोर्स ने ट्वीट में कहा, रविवार की सुबह एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में कम तीव्रता के दो धमाके हुए। एक धमाके के कारण एक इमारत की छत को नुकसान पहुंचा है, तो दूसरा धमाका खुली जगह पर हुआ। वायुसेना ने दूसरे ट्वीट में बताया कि इस घटना में किसी सामान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और नागरिक एजेंसियों के साथ जाँच जारी है। बताया गया है कि यह धमाका देर रात 2 बजे हुआ, टेक्निकल एरिया के अंदर हुआ, जिसे भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करती है। जम्मू का ये एयरफोर्स स्टेशन वायुसेना के लिए कितना ज़रूरी है, आइए जानते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू हवाई अड्डा एक घरेलू हवाई अड्डा है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये क्षेत्र भारतीय वायुसेना की रणनीतिक संपत्तियों में से एक है, क्योंकि यहीं से कई इलाकों से संबंध और आपूर्ति संचालित की जाती है। मालवाहन के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर हेलीकॉप्टर और हताहत या आपदा की स्थिति में राहत पहुंचाने के लिए ज़्यादातर ऑपरेशन भी इसी बेस से संचालित किए जाते हैं। ये स्टेशन भारतीय वायुसेना के सबसे पुराने हवाई अड्डों में से एक है और यहीं पर 10 मार्च 1948 को नंबर 1 विंग का गठन किया गया था। ये विंग गर्मियों के दौरान श्रीनगर से और सर्दियों के दौरान जम्मू से संचालित होता था। 25 जनवरी 1963 को विंग कमांडर जे की कमान में जम्मू में नंबर 23 विंग का गठन किया गया था। एंड्रयूज और नंबर 1 विंग को स्थायी तौर पर श्रीनगर शिफ्ट कर दिया गया। आज़ादी से पहले सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन जहां समाप्त होती थी, उसी जगह पर आज जम्मू एयरफोर्स स्टेशन है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हेलीकॉप्टर्स के ठहरने की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। शुरुआत में तो सिर्फ MI-4 हेलीकॉप्टर ही यहाँ थे, लेकिन उसके बाद चेतक और अब 130 हेलीकॉप्टर यूनिट के MI-17 हेलीकॉप्टर के लिए भी यहाँ पड़ाव है। इस क्षेत्र में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हमेशा से भारतीय सेना के लिए मदद मुहैया कराने का मुख्य जरिया रहा है, वो चाहे कारगिल ऑपरेशन के दौरान मोर्चे पर सैनिकों को रसद सहायता देना हो या फिर जख्मी सैनिकों को वापस लाना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।